हेलो एवरीवन, ये टैली ईआरपी 9.0 का पार्ट टू है। हमने पार्ट टू वन डिस्कस किया, जिसमें मैंने बेसिक बताया कम, जैसे हम टैली का यूज़ करना चाहते हैं तो टैली में आप क्या करते हो, कुछ बेसिक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे गोल्डन रूल क्या होता है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, आप उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, फिर आप ये सेशन देखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैं आप लोग को लेटेस्ट जो अपग्रेड होगा वर्ज़न, मैं उस पर बताऊँगा। अभी लेटेस्ट अपग्रेड वर्ज़न है टैली का 9.0 है, ठीक है ना, 4.4.9. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, लिखा है परचेज क्या होता है, देखो परचेज क्या होता है उसको समझना। अब परचेज मीन गुड्स परचेज बाय अ बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, अगर पूछा जाए परचेज क्या होता है, बोलते हैं लोग कि परचेज मतलब खरीदना, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, एक बिजनेसमैन क्या करेगा, सप्लायर से माल खरीदता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परचेस। यानी क्या, अ परचेज मीन गुड्स परचेस बाय अ बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर। ओके, सेल क्या होता है, सेल इज गुड सोल्ड बाय बिजनेसमैन टू कस्टमर। यानी कोई बिजनेसमैन है जो अपने कस्टमर को सामान बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल। ओके, क्लियर। अब स्क्रीनशॉट ले लो उसको, इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट, परचेस रिटर्न और रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड क्या है, इसको समझो अच्छे से। अगर कोई माल खरीद लिया, अगर आप उसको वापस करना चाहते हो तो वापस कर दोगे, उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। यानी परचेस रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फूल और पार्ट ऑफ गुड्स। यानी पूरा माल वापस करना, यानी माल खराब आ गया, ठीक है, कुछ डिफेक्ट आ गया, या पार्ट ऑफ गुड्स परचेज बाई द बिजनेसमैन टू द सप्लायर। यानी कोई बिजनेसमैन होता है जो सप्लायर से माल खरीदा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, उसको रिटर्न करना होता है, या गुड्स या पार्ट्स, यानी कुछ पार्ट्स को रिटर्न करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन इन भी बोलते हैं और आउट, ठीक है, आउटवर्ड इनवाइस भी बोलते हैं। ओके, आउटवर्ड मतलब सामान का जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न क्या होता है, या सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिजेक्शन आउट या इनवर्ड इनवाइस। ठीक है, अगर किसी को माल वापस दिए हो, ठीक है ना, किसी को माल बेचा है तो वो अगर वापस करेगा तो इनवर्ड होगा ना, सिंपल सा। इनवर्ड मतलब क्या, अंदर आना, सिंपल सा ही समझना, ठीक है, रिजेक्ट होना। अब बात करते हैं, लिखा है कि सेल्स रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फूल और पार्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द कस्टमर टू द बिजनेसमैन। ठीक है, यानी आपने देखो इसमें ख्याल रखना, जब भी टैली यूज़ करना ना, अगर आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो खुद को समझना, ठीक है ना, जब आप खुद को रियलाइज़ करो तभी काम करने मज़ा आएगा और आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, यानी ये समझ लो कि आप बेच रहे हो, ओके, क्योंकि कंपनी में काम करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आप बेच रहे हो। ओके, समझना इसको। यानी क्या है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को अपने माल बेचा है, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है, तो क्या होगा, अब उसको माल वापस देगा कस्टमर, क्या इसको वापस देगा माल, बिजनेसमैन को। यानी बिजनेसमैन कौन था, आप थे। ओके, अब देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या है, नेक्स्ट समझना है तो थोड़ा सा और समझ लो। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स आर द थिंग एंड प्रॉपर्टीज पोस्ड बाय अ बिजनेसमैन नॉट फॉर रीसेल बट फॉर द यूज इन बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस में यूज होता है। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है करेंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो इनको समझना थोड़ा सा, करेंट और फिक्स क्या होगा, थोड़ा थोड़ा समझते चलो। तो करंट का मतलब होता है कि अभी है और चला जाए, ठीक है, जैसे कैश है, कैश तो करंट में रहेगा। ओके, और भी सामान है जो, ठीक है, एक होता है फिक्स, फिक्स मतलब क्या हो जाएगा, बिल्डिंग है, फिक्स एक जगह फिक्स होती है, ठीक है ना, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, यानी भूमि हो गया। ओके, इसके चार टाइप होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है मूवेबल एसेट, एक होता है अनमूवेबल। मूवेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना, आप कौन सा मूव करते हैं आप खुद समझ सकते हो, गाड़ी है, ठीक है, चेयर है, ये सब क्या कर सकते हो, एक स्थान दूसरे स्थान मूव कर सकते हो। अनमूवेबल मतलब बिल्डिंग है, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफिस है तो मूवेबल ऐसे मूवेबल है, क्योंकि मूवेबल क्यों होता है, ऑफिस को आप कहीं भी बना सकते हो, ठीक है ना, ख्याल रखना। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग मूव नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं कि अनमूवेबल एसेट्स, सिंपल सी बात है। एक होता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल का मतलब होता है दृश्यमान, दिखाई देने वाला संपत्ति, जिससे दिखाई देने वाला कोई संपत्ति हो सकता है, कैश भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और इनटेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल मतलब अदृश्यमान संपत्ति। अदृश्यमान में क्या आएगा उसको थोड़ा समझ लेना, मतलब ये है कि जैसे गुडविल का नाम सुना आपने, गुडविल, एक होता है पेटेंट, ठीक है,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या गुडविल। अगर बोलते हैं ना कि अगर शॉप पे दुकान पे आपका गुडविल अच्छा है तो आप आपका काम करना काम बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये एक संपत्ति की तरह यूज़ होता है गुडविल। और एक होता है पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, और एक और चीज़ समझना, पेटेंट का अर्थ होता है यानी जो माल आपने खुद बनाया, कुछ ऐसा कोई सामान बना दिया जिस पर आपका खुद का अधिकार हो। एक होता है कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब क्या, अगर आपने कोई माल बना लिया ऐसा कि प्रोडक्ट बनाया जो कोई नहीं बना सकता है, तो उसको पहले पेटेंट कराना, गवर्नमेंट से पेटेंट करा लो उसको। और अगर किसी बंदे को वही सामान बनाना है तो आपसे क्या करेगा, कॉपीराइट करेगा, ठीक है, आपसे परमिशन लेगा फिर वो सामान बनाएगा। तो क्या समझ में आया आपको, यानी जो दिखाई देने वाली न संपत्ति हैं उनको बोलते हैं गुडविल, और बोलते हैं पेटेंट, और इनको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। ओके ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लायबिलिटी क्या होता है। ऑल द अमाउंट पेबल बाई अ बिजनेसमैन कॉन्सर टू आउटसाइडर आर कॉल्ड लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटी की मतलब यहाँ ये समझ सकते हो, लायबिलिटी का एक और चीज समझना, ठीक है, दायित्व की बात हो रही है कि अगर आपको पेबल है यानी कोई आपको मान लो आप आपका ऑफिस है तो आप बिजली यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, बिजली जब यूज़ करोगे तो आपके पास एक लायबिलिटी बन रही है, यानी आपको कोई ऐसा अमाउंट है जो आपको पे करना है, यानी उसको बोलते हैं पेबल, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बाई अ पर्सन। देखो ये बार बार क्वेश्चन एक पूछता है कि स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, तो इनमें कैपिटल, क्योंकि हम जब भी बिजनेस शुरू करेंगे कैपिटल से शुरू करेंगे। ओके तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक इन्वेस्टेड यानी एक अमाउंट होता है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कौन इन्वेस्ट करता है, एक व्यक्ति यानी आप करते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डेबिटर क्या होता है। ये डेबिटर भी बार बार पूछता है कि डेबिटर इज अ पर्सन हु ओन यानी खुद अमाउंट द बिजनेसमैन, ठीक है, जो बिजनेसमैन का सेल्फ का होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्रेडिटर लिखा है। क्रेडिटर इज द पर्सन टू whom अमाउंट आर ओन, यानी देखो ऑनर से रिलेटेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, बाय अ बिजनेसमैन, ठीक है, वो बंदा होता है जो, यानी ये कह रहा है कि जो लेनदार वो व्यक्ति होता है। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लेनदार, और डेबिटर मतलब देनदार, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि लेनदार वो व्यक्ति होता है जिसके पास कारोबार के लिए राशि बकाया होती है, यानी आपको देना है, ऐसा लग रहा है देना है, यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर की बात हम करें। ओके और एक और चीज़ समझना, जब किसी व्यक्ति से आप कुछ सामान परचेस करोगे ना, ठीक है, जब परचेस करोगे तो मान लो कोई पार्टी से परचेस करो तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटर हो जाएगा। ओके जब किसी पार्टी को माल बेचोगे, ठीक है ना, जब किसी पार्टी को माल बेचोगे तो वो बंदा रिसीव करने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेबिटर। ओके ओके अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रॉविंग क्या होता है और रिसिप्ट क्या होता है, उसको समझना थोड़ा थोड़ा। ड्रॉविंग आर द अमाउंट विदड्रॉ टेकन बैक बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल प्राइवेट एंड डोमेस्टिक पर्पस। ड्रॉविंग मे बी मेड इन फ्रॉम कैश, कैश के रूप में हो सकता है, और गुड्स एसेट्स के रूप में हो सकता है। यानी ड्रॉविंग क्या होता है, यानी अगर आपने बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें से जो पैसा आप निकालोगे उसको बोलते हैं हम ड्रॉविंग, ठीक है। एक होता है विदड्रॉल, विदड्रॉल हम कहाँ से करते हैं, बैंक से करते हैं। ओके समझ में आया। ओके यानी अगर कुछ पैसा अगर निकालना है आपके गुड्स से, आपके बिजनेस से, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉविंग। ओके इसका जो अंडर ग्रुप होता है कैपिटल होता है, क्योंकि कैपिटल से निकाल रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट रिसिप्ट क्या होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर ऑफ कैश एक्नोलेजिंग द कैश रिसीव वाउचर। देखो एक टाइप का ये इशू यानी क्या बोल सकते हैं इसको, एक टाइप का रसीद होता है जिसपे कैश के बारे में पूरा डिटेल दिया गया था, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को समझना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेबिट के हिस्से में क्रेडिट की अधिकता, ठीक है, इसका मतलब है। अब देखो नेक्स्ट लिखा है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखा इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वेरीफाई द एक्यूरेसी द इंटायर मेड इन बुक्स अकाउंट। यानी आपने काम कर लिया है तो आप ट्रायल बैलेंस चेक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी पूरी एक्यूरेसी दिखेगी। ओके अब बात करते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। देखा टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपने जो पूरा काम कर लिया ना, देखो तो वहाँ पे देखते हैं कि
अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेते हो, और एसेट्स है कितने का, कितना माल बचा हुआ है, लायबिलिटी किसी को पैसा देना है, ठीक है, कोई एक्सपेंस हुआ, तो वो चीज़ आप यहाँ आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में डिस्कस किया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और बाकी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, मैं वीडियो का सेशन छोटा रखूंगा क्योंकि आपके भी टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, महत्व है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।